Good morning, class. And now we are studying science that we have been studying from previous 3 days from this book of pearls of yours, Standard 4. And it is lesson number one, plants preparing and storing food. Plants preparing and storing food. Okay, so this is the lesson that we are going to study now. कल हमने देखा था कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं. खाना बनाकर वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी के रिपेयरिंग के लिए या अपने आप को एनर्जी पाने के लिए, देने के लिए इस फूड का यूज करते हैं. सेकेंडली, जो बचा हुआ खाना है वो एक्स्ट्रा फूड स्टार्च के रूप में किसमें कन्वर्ट करते हैं. जैसे ये है, what is this? It is a mango. So, ठीक है. Mango क्या है? Fruit है. M-A-N-G-O, mango. ये है fruit. ठीक है students. मतलब ट्रीज ने क्या किए, मैंगो के प्लांट ने क्या किया, अपना एक्स्ट्रा खाना अपने फ्रूट में जमा कर लिया. जो खाना उसको, मतलब जो उसका एक्स्ट्रा था, जिस खाने की उसको नीड नहीं थी, उसको उसने फ्रूट के रूप में जमा किया. देन है स्पिनेच. स्पिनेच आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पत्तों वाली है ना, ऐसी चौड़े पत्तों वाली एक हरी वेजिटेबल है. पालक, मम्मी उसको दाल में डालकर बनाती है, ऐसी चौड़ी पत्ती होती है पालक की. ठीक है, सो पालक का जो प्लांट है, स्पिनेच का जो प्लांट है, वो क्या करता है, अपने फूड को लीव्स में जमा करता है. ये है स्पिनेच, S-P-I-N-A-C-H, स्पिनेच. इसने अपने फूड को कहाँ जमा किया, लीव्स में. ठीक है, देन ये है मटर. मटर मींस पीस. दीज आर लीव्स. ओके, एंड दिस इज पॉड. पॉड मींस सेलिंग, फली. ये है सेलिंग. यहाँ पर भी ऐसे छोटे छोटे काले हम देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी नजर आते हैं. ये क्या है, पीस. This is peas. Peas ने अपना एक्स्ट्रा फूड कहाँ जमा की स्टूडेंट्स, इसने सीड्स में. सीड्स, ओके, समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो अपना एक्स्ट्रा फूड कहाँ जमा करता है. प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा फूड जो है वो फ्रूट में, लीव्स में, सीड्स में, या फिर ये जो है ये मैं क्या बना रही हूँ, कैरोट है ना, आपका सबका फेवरेट कैरोट. इट इज लाइक दिस. इट इज कैरेट.
सो कैरोट ने कहाँ किया अपना फूड स्टोर, CARROT, कैरोट, ये रूट में किया इसने रूट में किया, ठीक है। अब हम देखेंगे शुगर केन, शुगर केन कहाँ अपना फूड जमा कर रहा है, स्टेम, ये ऐसा होता है ना शुगर केन। ऐसी बड़ी बड़ी पत्ती होती है शुगर कैन की, ठीक है, इज व्हाट शुगर कैन। सो शुगर कैन ने कहा कि यार ना खाना जमा, शुगर कैन ने स्टेम, शुगर कैन ने गन्ना, जहां से हमको स्वीट जूस मिलता है शुगर बनाने के लिए या जैगरी बनाने के लिए, जैगरी में गुड़ बनाने के लिए। सो शुगर कैन ने अपना खाना कहाँ स्टोर किया, स्टेम में, ठीक है। स्टेम आपको समझ गया, स्टेम क्या है, ये वाला पोर्शन, उडी पोर्शन, प्लांट का उडी पोर्शन, उसका तना यानी स्टेम, ये लीव्स है, पत्तियां, ये रूट है, कैरोट, कैरोट ने अपना खाना कहाँ जमा किया, रूट में। एक्स्ट्रा फूड यानी प्लांट का जो एक्स्ट्रा फूड है वो कहाँ कहाँ जमा होता है, फ्रूट में, लीव्स में, पीस, ये सीड्स में, रूट वे और स्टेम। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, तो आपको भी ऐसे पिक्चर्स अपनी प्रोजेक्ट कॉपी में ड्रॉ करना है, आपको फिगर 1.4 बनाना है जहां पर प्लांट जो है वो अपना फूड स्टोर करते हैं, फ्रूट, लीव, सीड, रूट और स्टेम में, ठीक है। तो ये ऐसे पिक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं, ये है आपके बुक को, बुक के पेज नंबर 1A1 में दिया हुआ है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे पैराग्राफ 181 पर कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना और किस चीज के लिए यूज करते हैं, मतलब पहले जब वो फूड बनाते हैं तो वो यूज करते हैं खाना अपने आप को एनर्जी देने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और फिर जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टार्च के रूप में, स्टार्च के साथ एक गाढ़ा मिल्की सब्सटेंस होता है उसको वो जमा करते हैं लीव्स में, ठीक है, या फिर स्टेम में या फिर रूट में। तो इस तरह से फिर उस पार्ट को हम खाते हैं, ये एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट है मैंगो का, एडिबल पार्ट मतलब खाने योग्य पार्ट, ये सब हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब पेज नंबर 182 पर आ जाइए, 182 पर सब अनयूजुअल प्लांट्स, अनयूजुअल मतलब थोड़े से अलग, डिफरेंट, हम अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सब अनयूजुअल प्लांट्स लाइक कैक्टस, कैक्टस देखो आपके पास फिगर 1.5 में कुछ अनयूजुअल प्लांट्स की पिक्चर दी हुई है, कैन यू सी दिस, यस, कैक्टस है, कैक्टस कैसा होता है, बहुत काटे काटे होते हैं उसमें, एक्चुअली उसमें काटे क्यों होते हैं पता है, क्योंकि कैक्टस ऐसी जगह पर आता है जहां पर पानी की बहुत कमी होती है, कैक्टस की रूट को बहुत डीप इनसाइड द अर्थ पेनिट्रेट करना पड़ता है, बहुत अंदर जाना पड़ता है पानी की तलाश में, तो फिर वो अपने मतलब फिर वो जो काटे हैं ना कैक्टस के वो एक्चुअली उसकी लीव्स रहते हैं, मॉडिफाइड लीव्स यानी पत्तियां, पत्तियों को वो इतना मतलब टाइट कर देता है, उनका रोल खत्म कर देता है, उनका मॉडिफिकेशन कर देता है, और पत्तियां जो है कांटों में मॉडिफाइड हो जाती है, जिसकी वजह से पत्तियों से फिर वाटर का ट्रांसपिरेशन नहीं होता, मतलब किसी भी झाड़ की जो पत्तियां है ना वो प्लांट्स का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको वाटर वेपर के रूप में बाहर निकाल देती है। तो कैक्टस जो है इस पानी को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, तो इसलिए ये अनयूजुअल प्लांट है। फिर कैक्टस, सम प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स, कैक्टस में लीव्स नहीं होती, हमने देखा क्यों नहीं होती, व्हेन देन इज वेयर देन इज देयर फूड मेड, फिर हमने देखा अभी तक हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो है वो खाना बनाते हैं क्योंकि उनमें उनकी पत्तियों में एक चमत्कारी वस्तु होती है दैट इज क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट्स,
वो क्लोरोफिल की हेल्प से ही खाना बना सकते हैं, है ना, विद द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड बाय टेकिंग CO2 फ्रॉम कार्बन डाइ एयर एंड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, है ना। तो कैक्टस में तो पत्तियां होती नहीं है, कैक्टस कैसा होता है ना, इट इज लाइक दिस, ऐसे काटे काटे होते हैं, ऐसा प्लांट होता है कैक्टस, है ना। तो कैक्टस में तो पत्तियां नहीं होती, तो फिर वो खाना कैसे बनाता है, ये दूसरा ऐसा प्लांट उसका, ये ग्रीन स्टेम्स, ठीक है, इट इज कैक्टस। सो कैक्टस में लीव्स नहीं होती तो वो खाना कैसे बनाते हैं, वो अपना खाना इस ग्रीन स्टेम पे ही बनाते हैं। ये जो स्टेम है ना, ये स्टेम है उनका, ये ग्रीन होता है, ये ही खाना बनाने का काम करता है, क्योंकि उनमें लीव्स नहीं होती, इसलिए जो स्टेम है वो ही कैक्टस प्लांट का खाना बनाने का काम करता है। देन मोल्ड एंड मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। मोल्ड और मशरूम्स, अभी मशरूम का सीजन है, मार्केट में मशरूम्स बहुत आई है ढेरों, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, है ना। सो मोल्ड और मशरूम्स जो है ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है। मशरूम कैसे आता है, वो डेड और डिकेइंग पार्ट ऑफ एनिमल्स पर आता है, ठीक है, सड़ी गली चीजों पर से अपना खाना कंज्यूम करता है मशरूम। मशरूम एक नॉन ग्रीन प्लांट है, इसका भी पिक्चर आपके बुक पे दिया हुआ है मशरूम का। तो मशरूम जो है वो दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, मशरूम नॉन ग्रीन प्लांट है, वाइट प्लांट है, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होती। दे कैन नॉट मेक देयर फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, डेड मतलब मरे हुए, डीके मतलब जिनका सड़न होते रहता है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स का जो मर जाते हैं, उनकी बॉडी से मशरूम्स या मोल्ड अपना खाना लेते हैं। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटोन हैव क्लोरोफिल। क्रोटोन, इसका पिक्चर दिया हुआ है आपके पास, आप देखिएगा, उसमें क्लोरोफिल होती है, लेकिन वो कैसे दिखते हैं, रेड दिखते हैं, क्रोटोन की जो लीव्स रहती है वो रेड दिखती है। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ रेड सब्सटेंस दैट हाइड्स द ग्रीन क्लोरोफिल। ये इसलिए दिखता है कि जो रेड सब्सटेंस है उस प्लांट में एक रेड सब्सटेंस होता है झाड़ की, जिसमें जो हरी कलर की लीफ है या तो तोड़ लेना है या तो गिरी हुई है तो उठा लेना है, फिर उसको ब्लीच करना है। ब्लीच कैसे करेंगे, पहले उसको पानी में उबालेंगे। ये एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको वहां पर देखना है तो बराबर समझ में आएगा, ठीक है। उसको ब्लीच करना है, पहले उसको बॉईल करना है, ब्लीच करने के लिए मतलब उसका कलर निकालना है हमको, उसको बॉईल करेंगे पानी में, फिर उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे, फिर उसको ठंडे पानी में धो लेंगे, फिर उसके ऊपर आयोडीन के कुछ ड्रॉपलेट्स डालेंगे, तो वो जो पत्ती है वो ब्लू ब्लैक बन जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि प्लांट में स्टार्च होता है। स्टार्च होता है मतलब स्टार्च क्या है, खाना जब प्लांट्स बनाना शुरू करते हैं तो उसका जो ग्लूकोज है वो बाद में ठीक होकर स्टार्च बनता है, और बाद में वही स्टार्च प्लांट अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये पहली एक्टिविटी भी आपको अपने प्रोजेक्ट कॉपी में ड्रॉ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी काम हम कल देखेंगे, तो आप होमवर्क लिख दीजिए। होमवर्क फर्स्ट ड्रॉ फिगर 1.4 इन प्रोजेक्ट कॉपी। सेकेंड एक्सपेरिमेंट वन, पेज नंबर 182। एक्सपेरिमेंट वन इज गिवन ऑन पेज नंबर 182 दैट यू हैव टू ड्रॉ। ओके स्टूडेंट्स, सो कंप्लीट दिस होमवर्क एंड देन विथ अदर एक्सरसाइजेस एंड अदर अदर एक्सपेरिमेंट्स, देयर आर मेनी एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर
we will see in next period. Okay, so up to that, bye.